और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पत्नी प्रेस वार्ता करने वाली है। दोपहर 12 बजे सुनीता केजरीवाल प्रेस वार्ता करेंगी, क्योंकि 6 दिन की रिमांड की मंजूरी मिल चुकी है ईडी को। ऐसे में पूछताछ अब अरविंद केजरीवाल से होगी और समझा जा सकता है कि मुश्किलें अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि जिस तरह से ईडी ने कोर्ट के अंदर कहा था कि कई सबूत है उनके पास में, इससे पहले मनीष सिसोदिया संजय सिंह के बयानों को लेकर भी आमने सामने बैठाकर पूछताछ होगी। और इसी को लेकर के अरविंद केजरीवाल की पत्नी आज प्रेस वार्ता करने वाली है। दोपहर 12 बजे अरविंद केजरीवाल की पत्नी प्रेस वार्ता करेंगी। शराब घोटाला, आरोप प्रत्यारोप का दौर, आम आदमी पार्टी का भाजपा और केंद्र पर निशाना। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की मंत्रियों ने निशाना साधा है। मंत्री आतिशी की हम बात कर रहे हैं और साथ ही सौरभ ने भाजपा पर कड़ा प्रहार किया है और ये प्रहार लगातार किया जा रहा है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने ईडी को ये जिम्मेदारी दी है कि किस तरह से एक एक मंत्रियों को वो बुलाए, उनसे पूछताछ करे। पर देखिए, ईडी की टीम के पास में भी एक एक सबूत है जिसके आधार पर वो गिरफ्तारियां करती है। एक बार नहीं, कई बार नोटिस गया था अरविंद केजरीवाल के घर पर, जिसको उन्होंने इग्नोर किया। और प्रेस कॉन्फ्रेंस जब उनके द्वारा की गई, क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया जरा आपको वो सुनाते हैं। ऐसा कहा गया कि शराब कोर कारोबारियों को मुनाफा पहुंचा, बहुत ज्यादा मुनाफा पहुंचा, लेकिन अगर उन्हें मुनाफा पहुंचा तो उन्होंने किसको रिश्वत दी, उन्होंने किसको पैसे दिए? क्योंकि 2 साल की जांच के बाद, सैकड़ों रेड के बाद, हजारों लोगों को क्वेश्चन करने के बाद, आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता, किसी भी मंत्री, किसी भी कार्यकर्ता के पास से 1 रुपए की भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की रिकवरी नहीं हुई। आज तक आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के पास प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का, इस मनी ट्रेल का 1 रुपया भी नहीं मिला। और ये सवाल बार बार सुप्रीम कोर्ट ने भी कोर्ट में पूछा और अपने आदेश में भी लिखा कि मनी ट्रेल कहां है। जब से ये डिटेल्स बाहर आई हैं, बहुत सीरियस क्वेश्चंस भारतीय जनता पार्टी से उठते हैं। और मैं आपको डेट वाइज बताऊंगा ताकि हर एक साधारण आदमी को समझ में आ जाए कब कहा गया कि अरविंदो फार्मेसी और उसके डायरेक्टर मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं का मतलब तो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ईडी कह रही है कि वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जो कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है या जो आदमी मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, आपकी ईडी उसको छापा मार रही है, आपकी ईडी उसको गिरफ्तार कर रही है, वो कंपनी आपको चंदा दे रही है। और 1-2 नहीं, 59.5 करोड़, 59.5 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। उनके अकाउंट से इनके अकाउंट में आया है, सबूत है।